सभी को वेलकम टू क्रेजी चैनल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो रात को सोते हैं हाँ। तो भाई मेरी ड्राइंग इतनी खास अच्छी नहीं है, इसलिए प्लीज़ देख के हंसे ही नहीं है। ये घोड़ा बनाया है जो बनाना कंपलसरी होता है, कॉमन है, सबको ही बनाना है। जिनके यहाँ नवमी पूजती है उनको तो पता ही होगा, ये तो मतलब घोड़ा बनाना ही होता है। तो पूजा के वहाँ बना दो या बाहर चौखट पे, कॉलोनी पे, जहाँ भी बनाना हो। क्या है? लोटी इधर लोट, यू सोच रही है सिविंग के लिए बैठी हूँ सिविंग। आपके पीछे पीछे ठीक है। गाय खा रही है, देख गाय को देने जो मैंने पूजा पे रखा है। मैंने रखा आटा, चीनी और खीर बनाई आटा और सबके यहाँ मतलब पता नहीं कैसे होता होगा। तो हमारी गाय तो मारे भी है हमें। पकड़ी पार प्लेट सिंगर ने बहुत चला भैया। अरे मम्मी हाथ तो जुड़ के चलो, जब पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है।
बाहर तो गए लेकिन कहाँ गए ये थोड़ी पता है तुझे, नहीं पता ना, फिर कैसे बुलाएगी, कम बहुत। इन्हें गाय नहीं, आज कह रहा हूँ तो रात तो केक किसी को नहीं दे पाए थे क्योंकि बच्चे सब थे ही नहीं, मतलब सो गए होंगे, थे तो सही, तो इसलिए अब थोड़ा आसपास में भिजवा देती हूँ एक दो उनके केक। बच्चों को बुलाया लेकिन बच्चों की आज सबकी छुट्टी नहीं है, स्कूल गए बच्चे। शिवानी और कर ली उनमें, देखो जी कुछ इस तरह टाइम पास हो रहा है। काम तो सारा हो गया हमारा कंप्लीट और अभी हम फिलहाल रेस्ट ही कर रहे थे, लेटे हुए थे ऐसे ही, फिर मम्मी ने अचानक आके बोला कि हमें कहीं जाना है, तो हम कहाँ जा रहे हैं किसके साथ कैसे ये मैं आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी शिवानी पता नहीं जाएगी या नहीं, कुछ पक्का नहीं है, बट मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं हो गई थी तैयार और शिवानी तैयार हो रही थी, तो तब तक मैंने मम्मी को तैयार किया। Thank you.
मम्मी को लोग मेरा मम्मा मम्मा बंद कर दो तो ये वहाँ पे प्रसाद था जो शिवानी और खार दी, मेरा तो फास्ट था। तो ये मुझे वहाँ पे मिली थी, ये फ़िलहाल मेरे साथ ले रही थी सेल्फ़ी, जिन्होंने मुझे जाते ही पहचान लिया और मुझसे बोला कि आप इंस्टा पे वीडियो बनाते हो, मैं आपको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छा है इनका नेचर, इन्होंने बिल्कुल भी हमें फ़ील नहीं होने दिया कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, जाते ही ऐसे बात की हमसे, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने बोला कि मैं उनको बहुत अच्छी लगी हूँ एंड थैंक यू इस बात के लिए, आप भी बहुत अच्छे हों। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो म्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पे गाने बज रहे थे। तो इन्होंने ली कई सारी सेल्फी जो एक भी अच्छी नहीं आ रही थी, फिर मैं इनको यहाँ पे बाद में सजेस्ट कर रही थी कि हाँ आप किसी और को फ़ोन दो और उनसे फ़ोटो क्लिक करा लो। फिर इनकी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मेरे कहने से आप एक बार डांस कर दो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हालांकि मुझे इतना अच्छा डांस आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया डांस करना, फिर डीजे वाले ने सॉन्ग ही चेंज कर दिया, जो कि हम पे शूट भी हुआ, बहू सब कर दी गाँव की फैल, मैं बंथन के आई तो ये वाला सॉन्ग फ़िलहाल बज रहा था। तो ये मुझे फिर से म्यूट करनी पड़ी वीडियो क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है सॉन्ग की वजह से। तो ये वही दीदी है जो हमारे साथ में डांस कर रही थी, हम मैं और शिवानी तो हट गए थे। ये आज तेने 500 कहाँ सुन ली, और तू 500 को लेकर क्या आएगो भेड़ में, तो चौगी सुन के नु कह रहा माँ जी मुझे 500 रुपये चाहिए। एक सूट आएगा 500 रुपया का। तो मैं बिजी हूँ बच्चों का होमवर्क कराने में, और शिवानी पता नहीं देखती हूँ किस चीज में बिजी हूँ। तो मैडम भी है फोन पे बिजी। हेलो हेलो, अच्छा मम्मी है। तो हम गए थे चाव में, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता क्या कैसे होता है, बस इतना पता है कि जिनके घर हम गए थे उनके घर दाल लेके जानी होती है, जिसके यहाँ दाल वाल आती है वो जाते हैं, फिर मतलब चाव लेके जो बोलते हैं, और जिनके हम गए थे वो सब बागड़ में गए हैं जात लगाने के लिए, तो उनके मतलब ऐसे ही फंक्शन कंटिन्यू चल रहा है, अब आ जाएंगे वो कुछ बोलना। तो फिर जब ये बंद होगा लास्ट वाले दिन, फिर खाना वाना होता है, उससे पहले मतलब ऐसे ही जाते होंगे सब, हमें तो इतना पता भी नहीं है जाने के बाद क्या करते क्या नहीं। मतलब ये था कि जिनके घर हम गए थे उनमें से जो मेन कोई मेंबर होगा वो बीच में खड़े थे, फिर हम उनके आसपास ऐसे घूमे थे जयकारा लगाते हुए, उसके बाद में अंदर गए पूजा पे, मतलब घी वी और दाल और प्रसाद वरसाद लेके जाते हैं, फिर धोप लेते हैं वहाँ पे, फिर उनके वहाँ पे चने की दाल बनती है और रोटी वो खा के आते हैं, मेरा तो व्रत था इसलिए मैंने नहीं खाया, और फिर उसके बाद में डांस वांस करो फिर अपने घर पे आ जाओ। लेकिन अच्छा लगा इस चीज़ के बारे में, मैंने यहीं पे आके सुना, मुझे नहीं पता था, मायके में ऐसा कभी नहीं सुना ना हुआ, यहाँ पे आके सुना, इतने टाइम से सुन रही थी लेकिन आज फर्स्ट टाइम हुआ कि जाना हुआ। और देखो शिवानी ने तो अभी सुना, अभी चली गई, मैंने इतने दिन से सुना लेकिन आज गई हूँ, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जो एक मेरे साथ थी वो सेल्फी ले रही थी, उन्होंने कहा था जाते ही अब तो मैंने इंस्टा पे देखे हो, वीडियो देखती हूँ मैं आपकी, आप प्रीति तंवर हो, आप कहाँ से आए हो कैसे, तो हम ससुराल से पास पास में ही हैं, तो इसलिए पता चला कि हाँ मतलब मैं वो सोचती होंगी जैसे सोलह फतेहपुर के लिए पता है, तो उन्होंने कहा हम वहीं के सोच रहे थे, फिर बाद में सेल्फी ली, फिर बोला भी कि आप नेक्स्ट डे भी आना, लेकिन डेली तो नहीं जाना होता, बट आज जाके बहुत अच्छा लगा है। पार्सल थोड़ी देर रेस्ट तो कर लो,
थोड़ी बहुत देर लेटना नहीं है, हमें तो लेटना है अब। तो अब हम सो के उठ चुके हैं। हाँ तो मैं आम की महक आ रही है, आम खाया ना पार्क। क्या हुआ? चाय पिएगा? मैंने तो चाय का नाम भी ना लिया, मैंने तो सिर्फ इतना हो गया कि हम सो के उठे हैं। गुड़दा चाय पिएगा तुम? अब गर्म हो रहा, सुबह से बिल्कुल ऐसा हो रहा जैसे ठीक है। बना रही हूँ चाय, पीनी है आपको? है पार? चाय पी लो अभी। कल तो बनाया था सब कुछ और आज भी। अच्छा अभी देखूंगी। ये नहीं खाया आपने? क्यों क्यों नहीं खाने? ओके अभी रुको, पहले मैं ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा, सुबह के टाइम मैंने नौमी पूजी थी, क्योंकि ये जो जन्माष्टमी के बाद जो नौमी आती है वो बड़ी नौमी होती है, जिसे घूगा नौमी भी बोलते हैं, जो झारपीर वाले बाबा की होती है। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो हमारे कुछ इस तरह ही पूजती है वो। जैसे कि आपने देखा, मैंने चून चीनी और खीर बनाई थी, अदर हम दूध भी रख सकते हैं, और एक लोटा पानी जो मतलब फेरा था मैंने, फिर उसे सूरज को दे दिया। जो मैंने वो रखा था आटा चीनी और खीर, वो मैंने तुरंत गाय को दे दी थी। तो उसके बाद फिर हम गए, सही मैंने वो जो बताया कि हम आज गूंगा नौमी है, तो उसी लिए फिर हम गए थे। जो चाव होता है, मुझे ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। नेक्स्ट या फिर मैं पूछ के फिर बताऊँगी आपको, फ़िलहाल अभी मुझे इतना नहीं पता है। बस इतना ही पता है कि चाव लेके जाते हैं, जिसमें हमें दाल लेके जानी होती है, जिनके घर से बागड़ के लिए जात लगाने के लिए जाते हैं। तो ठीक, उसी तरह हम गए वहाँ पे, खाना वाना खाया, तो डांस वांस भी किया था, और वहाँ पे मुझे मतलब दीदी कहो कुछ भी कहो जो वो मिली थी, काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा भी कि हाँ आपको, उन्होंने तुरंत मुझे पहचान लिया। एक आज अपनी पहचान वाली फीलिंग आई कि हाँ मतलब हमारी खुद की एक पहचान है, जो मतलब मैं खुद मानती हूँ कि मेरी प्रीति तनवर से है, जो सब बोलते हैं कि प्रीति तनवर है। तो एंड थैंक यू सो मच, आपने आपके सबके सपोर्ट की वजह से मेरी अपनी खुद की ये पहचान रही, अच्छा लगा। कहीं जाते हैं कोई बोलता है कि हाँ मतलब ऐसे प्रीति तनवर आई है। तो फिलहाल अब जो लास्ट में आती है बात आज मेरे ब्लॉग में, कॉमन बातें हैं एक, तो आज एक स्पेशल ये था कि मतलब हमारे कन्नू जो नए लड्डू गोपाल आए हैं, उनकी थी आज छठी, क्योंकि भाई जन्माष्टमी से, हालांकि आज डे तो ये है कि आज नौमी है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब भी आते हैं लड्डू गोपाल, उससे छठे दिन उनकी छठी पूजती है। तो उस अकॉर्डिंग शिवानी ने आज इनकी छठी पूजी है, आज इनको छठा दिन है। फिर शिवानी कह लगी, नहीं दीदी मेरा मन नहीं है कि मतलब मैं ये कहूँ कि उसी दिन पूज देंगे, नहीं मैं उस दिन अलग पूछ दूंगी, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद में भी छठी पूजती है, लेकिन आज भी शिवानी ने अपने नए लड्डू गोपाल की छठी पूजी है। तो ये तीन चीज़ें आज मेरे व्लॉग में, एक बल्कि मेरे पास कमेंट भी आई थी, आपका व्लॉग एक ही बात पे ख़त्म हो जाता है, तो आज तो तीन कॉमन चीज़ें हो गई हैं, जो तीनों ही अच्छी इंटरेस्टिंग है तीनों ही। तो मैं अपने व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, जुड़े रहे मेरे साथ नए नए व्लॉग, अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए। एंड प्लीज़ वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही आपका साथ बना रहे, आपका ये प्यार बना रहे,
बस इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आपका, और अपनी सपोर्ट ये बनाए रखना मेरे साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। क्या दिखा रहा हूँ माँ जी? माँ जी क्या दिखा रहा हूँ? कुछ लगा तो रखा ही ना तूने। चश्मे लेते बेटा नजर के खाए ना गंदे, ऐसे ना लगाते। ये वैसे चश्मे नहीं है माँ जी के, नजर के ही है। ये माँ जी कोई पूछे ही बताएंगे, माँ जी बताएंगे ये तो। जब नहाएंगी साबुन लगाएंगी फिर चश्मे पे नहीं लग जाएगा वो? बच्चे के भी सवालन के जवाब, किसी से सवाल पूछे बच्चे, उसे लगा दें कृष्ण जी की कथा जो आ रही है पार, तो उसे देखेंगे माँ जी।